अब जिस मुद्दे की बात हम कर रहे थे, यानी चुनाव में सेना का इस्तेमाल, इस पर जो राजनीति हो रही है वो आज एक कदम और आगे बढ़ गई। ये तब हुआ जब 156 पूर्व टॉप आर्मी कमांडर्स के नाम की एक चिट्ठी सामने आई। दावा किया गया कि यह चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम लिखी गई है। चिट्ठी में सेना के राजनीतिकरण को रोकने की अपील की गई। चिट्ठी में लिखी गई बातों पर और ज्यादा चर्चा होती इससे पहले पूर्व सैन्य प्रमुख SF रॉड्रिग्स और निर्मल सूरी समेत कुछ और पूर्व अफसरों ने सामने आकर चिट्ठी के लिए अपनी सहमति से इनकार का दावा किया। हालांकि पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी और दीपक कपूर समेत कुछ पूर्व सैन्य अफसरों ने माना कि चिट्ठी के लिए उनकी सहमति है, लेकिन चिट्ठी को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की पुष्टि नहीं हो सकी। पूर्व कमांडरों की हां और ना और राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी न मिलने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने मतलब की बात ले उड़े। दरअसल यह बहुत संजीदा पत्र है। इस बात को लेकर बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस पूरी चिट्ठी का जो मजमून था, इसमें जो बातें लिखी गई थी, उसमें राजनीति के तौर पर बहुत विस्फोटक बातें थी। आइए हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद ही ऐसी कोई रैली हुई हो जिसमें उन्होंने सेना के शौर्य की बात ना की हो, जनता को ये ना बताया हो कि पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए भारत के वीर पाकिस्तान के बालाकोट में आतंक के अड्डों को चकनाचूर कराए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रवाद पर सोशल मीडिया में नाच रही एक चिट्ठी ने बवाल मचा दिया है। कहा गया कि 8 पूर्व सैन्य प्रमुखों समेत 156 पूर्व कमांडरों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि वो चुनाव में सेना के इस्तेमाल पर रोक लगाएं ताकि सेना का सेकुलर और गैर राजनीतिक चरित्र बना रहे। 11 अप्रैल की तारीख वाली इस चिट्ठी में लिखा गया है, हम राजनीतिक दलों के इस रवैये पर आपको आगाह कर रहे हैं कि कुछ नेता सीमा पार की सैन्य कार्रवाइयों पर श्रेय लूट रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मोदी जी की सेना। मोदी की सेना वाला बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा हुआ है। योगी के इस बयान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी हो उससे पहले ही आर्मी के पूर्व कमांडरों के नाम से सामने आई चिट्ठी ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। इस चिट्ठी पर आगे का क्लाइमेक्स आप जानें, उससे पहले सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ ने आखिर कहा क्या था। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी नोटिस में ले चुका है, जिसमें उन्होंने पहली बार वोट करने वालों को बालाकोट के एक्शन के नाम पर वोट देने की अपील की थी। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी के बयानों को लेकर विपक्ष पहले ही मुद्दा बना रहा था, लेकिन जब ये सामने आया कि 156 पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है तो कांग्रेस को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। तो इस बात का होता है कि ये पहली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति में घसीट रही है। कारगिल युद्ध के बाद भी 3 आर्मी चीफ के पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाने की जो जरूरत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने की थी। और मेरे पास बकायदा 2004 में जनरल बीपी मलिक ने अपनी किताब में लिखा है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में कहते हैं कि उन्होंने बकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाकर कंप्लेन। हालांकि जल्द ही इस चिट्ठी पर कांग्रेस के हमले को लेकर बीजेपी को संभलने का मौका मिल गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन ने ऐसी किसी चिट्ठी के मिलने से इनकार किया।
पहले तो चिट्ठी बिना किसी लेटर हेड के कोरे कागज पर लिखी गई, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा। इसके बाद चिट्ठी में दस्तखत करने वाले जिस पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल एसएफ रोड्रिग्स का नाम सबसे पहले लिखा था, उन्होंने ऐसी किसी चिट्ठी पर सहमति देने से इनकार कर दिया। पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल निर्मल सूरी ने भी कहा कि चिट्ठी के लिए उनसे कोई सहमति नहीं ली गई। पूर्व उप सेना प्रमुख रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एमएल नायडू ने भी कहा कि चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी। तो मैं तो आपका नाम भी डाल सकता हूं, व्हाट डज दैट मीन? नथिंग, आई डोंट नो हु इट इज, बट ये इसका लेटर के बारे में आपको कुछ भी पता? कुछ भी पता नहीं, यही तो बोल रहा हूं। मैं तो ना मैं एक चीज कहूं कि मेरा तो एक्सपीरियंस तो छोटा सा है फौज के अंदर। आप लोग को पता है क्या चल रहा है पूरा दुनिया में, तो आप खुद डिसाइड करो कि ये क्या चीज चल रहा है, नौटंकी। इस नए खुलासे के बाद खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चिट्ठी को फर्जी करार दे दिया। इट इज वेरी वरिंग दैट इफ पीपल्स कंसेंट आर नॉट इवन बीइंग टेकन एंड फेक लेटर्स, फेक एलिगेशंस आर बीइंग साइंड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इट इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। वैसे चिट्ठी पर अभी मोड़ आने बाकी थे, जहां कम से कम तीन पूर्व सैन्य कमांडरों ने चिट्ठी से पल्ला झाड़ा, तो कुछ आर्मी वेटरन सामने आए जिन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने चिट्ठी के लिए सहमति दी है। पूर्व सेना चीफ दीपक कपूर ने खुद माना कि उन्होंने चिट्ठी के लिए सहमति दी है। सेना के पूर्व अफसरों रिटायर्ड जनरल शंकर रॉय चौधरी और मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने भी कहा कि हाँ, वो चिट्ठी लिखने के पक्ष में थे। इस हंगामे के बीच रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर वंबाटकेरे ने भी पूर्व सेना चीफ निर्मल सूरी के एक ईमेल को सार्वजनिक किया। ईमेल दिखाता है कि पूर्व सैन्य प्रमुख निर्मल सूरी ने ईमेल पर चिट्ठी के लिए अपनी सहमति दी थी। We have just said to the President of India that since the political environment is such that even established institutions like the Election Commission are being more or less ignored, we feel that in such circumstances the Commander in Chief should try and see that the reputation of the armed forces for total secularism, for total non-alignment with any political party, apolitical, this reputation must not be smeared or stained. साफ है कि सेना के पूर्व कमांडरों ने चिट्ठी लिखी तो सही, लेकिन उस पर सबकी सहमति थी और सब लोग एक मत से राष्ट्रपति तक पहुंचाने के पक्ष में थे, ऐसा नहीं था। इस सब से ना चाहते हुए भी सेना के अफसर चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए।